नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतिसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में ठंड को लेकर। बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में सर्दी वाली हवा बह रही है, तो वहीं पिछले दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली है। ऐसे में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। इधर प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव भी तेज होता जा रहा है, जिससे तापमान पर इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि 3 से 4 फरवरी को पटना समेत प्रदेश के 26 जिलों में हल्की बारिश के साथ मेघ गर्जन और बिजली कड़कने की बात कही गई है। साथ ही साथ विभाग ने यह भी कहा है कि 6 फरवरी के बाद से मौसम शुष्क होने के आसार हैं। इसके बाद से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही साथ विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में पारा 2 से 4 डिग्री तक का लिए जो है ऊपर चढ़ सकता है। एक बार फिर से बुधवार का दिन जो है न्यूनतम तापमान के मामले में अगर हम कहें तो जम्मू से कम जो तापमान जो है बिहार में दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव तो नहीं देखने को मिला। इसमें यह भी कहा गया कि प्रदेश में एक या फिर दो जगहों पर घने स्तर के कोहरे देखने को मिला है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा कि राज्य में पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक रहा। देश में आज से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव शुरू हो रहा है। इस कारण से देश के कई राज्यों में बारिश के पूर्वानुमान जारी किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश के सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव के कारण उत्तर पश्चिम बिहार के 5 जिले, इसमें पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, उत्तर मध्य बिहार के 7 जिले, जिसमें कि सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर तथा दक्षिण मध्य बिहार के 8 जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद के अधिकांश भागों में मेघ गर्जन एवं बिजली के कड़क के साथ हल्की बारिश से भी मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ साथ मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि दक्षिणी पश्चिमी बिहार के 6 जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और दक्षिणी पूर्व बिहार के 5 जिले, जिसमें कि भागलपुर, बांका, जमुई, खगड़िया के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बिजली कड़कने के साथ साथ बारिश के भी पूर्वानुमान लगाए गए हैं। विभाग ने यह भी कहा है कि 4 फरवरी को दक्षिणी पूर्व एवं जमुई, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार तथा बांका जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ ओला गिरने की संभावना जताई गई है। एक तरह से कहें मौसम विभाग ने 3 फरवरी और 4 फरवरी के लिए जो है एक तरह से कहें पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई स्थानों पर बारिश के साथ साथ ओला गिरने की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में जो है हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, साथ ही साथ ओला गिरने के आसार हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।